मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। क्या अब भारत की तस्वीर बदल जाएगी? ये हम इसलिए कह रहे हैं कि यूपी का सोनभद्र जिला सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि 3000 टन से भी ज़्यादा यहाँ सोना मिला है, यानी भारत के पास मौजूद सोने के भंडार करीब 5 गुना ज़्यादा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में जिले के पहाड़ियों में 3000 टन से भी ज़्यादा सोना होने का दावा किया गया है। ये खबर सोशल मीडिया में आग की तरह फैल रही है और सोनभद्र सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। हालांकि इस खबर को सुनकर लोग खुश भी हो रहे हैं तो कोई अचंभित भी हो रहा है। आपको बता दें कि शुक्रवार को जिला खनन अधिकारी के किराए ने जानकारी दी थी कि सोनभद्र की सोन पहाड़ी और हरदी ब्लॉक इलाके में सोने के भंडार मिले हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सोने के भंडार का पता लगाने का काम 2 दशक से चल रहा था और साथ ही ये भी जानकारी दी कि इन ब्लॉक की ई ट्रेडरिंग के माध्यम से नीलामी की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। सोन पहाड़ी और हरदी ब्लॉक में 3000 टन से ज़्यादा सोना होने की बात सामने आई है, साथ ही अन्य और भी खनिज पदार्थ भी मिले हैं। भारत के पास इस समय 626 टन सोना है, जबकि सोनभद्र में मिले सोना इसका 5 गुना है। इसकी कीमत 12 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। वहीं यूपी सरकार इन नीलामी के बाद टीले पर खनन की अनुमति देगी। वहीं सोनभद्र के जिला अधिकारी एन राजलिंगन ने बताया है कि जिले की जिस पहाड़ी में सोना मिला है वो करीब 108 हेक्टेयर क्षेत्रफल का है। सोन पहाड़ियों में मौजूद तमाम कीमती खनिज संपदा होने की वजह से पिछले 15 दिनों से इलाके का हेलीकॉप्टर से सर्वेक्षण किया जा रहा है। भारत सरकार की एजेंसी GSI और उत्तर प्रदेश की एजेंसी भूतत्व खनिकरण विभाग के जो मिनरल एक्सप्लोरेशन टीम ने इन धातु खनिजों के रिजर्व का पता लगाया है। जैसे सोन पहाड़ी में GSI ने काम किया, हरदी में हमारी विभाग के राज्य सरकार के विभाग ने काम किया है और इन सबके भारत सरकार की मंशा और राज्य सरकार की मंशा है कि इनको इन रिजर्व को लीज करने के लिए पट्टे पे देने की संभावना पे विचार कर रही है। तो ये सर्वे हो रहा है कि इसको खसरा मैप पे प्लांट करके और इसमें फॉरेस्ट की पोजीशन देखते हुए इसको लीज पे देने के लिए वो किया जाए। तो किसकी जगह पे है ये सोने के मुख्य भंडार? सोने के भंडार एक गुरमुरा से 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा में एक सोन पहाड़ी है जो पनारी उस ग्राम पंचायत में आता है और एक हरदी गांव है, परलच गांव में हरदी है कहलाता है। यहाँ पे 2 जगह सोने के रिजर्व मिले हैं। ठीक है, तो सर ये जो ये प्रक्रिया हो रही है सर, इसमें कितना सोना है और क्या इसका वैल्यू है, क्या लग रहा है इसमें? देखिए जो यहाँ पे सोन पहाड़ी में है करीब 2600-2700 मिलियन टन इसका रिजर्व आंका है भारत सरकार की GSI ने और जो हरदी फील्ड है यहाँ पे हमारे विभाग ने करीब 650 मिलियन टन का रिजर्व आंका है। सर ये कब तक माइनिंग होगी इसकी और कब इसकी प्रक्रिया होनी है? इसी के लिए सर्वे हो रहा है कि इसको फॉरेस्ट की पोजीशन देखते हुए कि कितना फॉरेस्ट एरिया है, कितना रेवेन्यू लैंड है, इसको देखते हुए जब रिपोर्ट जाएगी तो उसको फिर सरकार भारत सरकार से विचार करके इसको जो भी करंट प्रोसेस होगा पट्टा देने के ई टेंडर प्रोसेस के माध्यम से करेगी। और कौन कौन से सर धातुएं हैं जो यहाँ पे मिल सकती हैं? और पोटास मिले हैं और इसके अलावा एंडलोसाइट और सिलेमनाइट मिले हैं और एक जगह आयरन ओर का भी मिला है। साथ ही DM ने यह भी बताया कि भारत सरकार सोनभद्र के अलावा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले और यूपी के ही बलरामपुर और झारखंड के गढ़वा जिले में आंशिक भू भागों में हेलीकॉप्टर के जरिए सर्वेक्षण कर रहा है। सोनभद्र में सोना मिलने की खबर से कई लोग खुश जरूर हैं, मगर कई लोग अफवाहों का बाजार भी अपने तरीके से गर्म कर रहे हैं। वहीं सोना मिलने के बाद भारत की स्थिति ज़्यादा मजबूत होगी, ऐसी उम्मीदें भी जताई जा रही हैं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।